बदकिस्मती की नहीं है। ये चीज है, यही मैं बताना चाहता था, लेकिन अब चूंकि हजरत आ गया और बात जमीन में नहीं, मगर हजरत के बारे में एक बात आनंद आज के दो साल पहले जबलपुर में हुजूर बाबा ताजुद्दीन ने एक बच्चे की परवरिश की थी निजामुद्दीन बापू के नाम से, उनका नवासा है कि रात हमने ख्वाब देखा हवा के ताबीज का, तो हमने कहा क्या ख्वाब देखा, कहा मैंने देखा आसमान से एक झंडा उतर रहा, जब नीचे आया तो देखा बड़ी मुरानी शक्ल के हैं और उनके हाथ में वो झंडा, उसमें अरबी में कुछ लिखा है, तो मैंने पूछा हुजूर से कि क्या लिखा, तो हजरत ने कहा देखो जो मोटे हाथों में लिखा हुआ है उसको लिखा है शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी। में लिखा उसमें क्या लिखा है, उन्होंने पढ़ के बताया कि इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला 500 बरस के बाद ऐसा एक आदमी देखा। उसने ख्वाब बयान किया, जब हजरत का नाम लिया, दूसरे दिन जबलपुर में जलसा था, मैंने कहा तुमने बहुत सही टाइम पे देखा, हजरत कल हमारे जलसे में आ रहे हैं जियारत करना, आया तो सभी भी दिखलाई गई थी पहचाना उसे। अब वो 500 बरस, तो अब मैं बहुत ज्यादा तो मुझे गौर करने का मौका नहीं मिला, मगर मैंने गौर किया कि हजरत ईसा के 500 साल के बाद हुजूर तशरीफ, 5वीं हिजरी में गौसे आजम का जमाना और 10वीं हिजरी में मुजद्दिद अरबी सानी का जमाना और 15वीं सदी में तो इसमें दो राय नहीं, ये आपकी खताबत ही नहीं, सिर्फ जैसे मोहब्बत की नजर से अगर आप ज्यादा करें तो फायदा, बुजुर्गों के चेहरे की ज्यादत खुशबख्ती की अलामत है।